ब्लास्ट फर्नेस भिलाई स्टील प्लांट का वो यूनिट है जहां पिघला लोहा बनाया जाता है, और इसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है वो हैं आयरन ओर, कोक, लाइम और सिंटर। ये सिंटर होता क्या है? इन सभी रॉ मटेरियल्स को स्टोर करने से लेकर यूज में लाने तक इस कंप्लीट हैंडलिंग प्रोसेस में इनके बहुत से फाइंस जनरेट होते हैं, और क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इन फाइंस का इकोनॉमिकल और ऑप्टिमम यूज करने के लिए इन्हें सिंटर में कन्वर्ट किया जाता है, और ये सारा प्रोसेस सिंटर प्लांट में किया जाता है। आज की वीडियो में हम रॉ मटेरियल के फाइंस को सिंटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले सिंटर बनाने के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल के फाइंस को ओर हैंडलिंग प्लांट से सिंटर प्लांट में लाया जाता है। इसके बाद सबसे पहला स्टेज है डॉजिंग। डॉजिंग एरिया में बहुत से हॉपर्स होते हैं जिनमें अलग अलग हॉपर में अलग अलग रॉ मटेरियल के फाइंस भरे जाते हैं। फिर इनके द्वारा सिंटर बनाने के लिए किस रॉ मटेरियल के फाइंस कितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी मात्रा में वो मटेरियल एक कन्वेयर बेल्ट में गिराया जाता है। अब सेकेंड स्टेज में ये सभी मटेरियल को एक मिक्सर में डाला जाता है जहाँ ये सभी मटेरियल आपस में मिक्स किए जाते हैं, और साथ में लाइम एज अ बाइंडिंग एजेंट को अलग से ऐड किया जाता है। इसके बाद इस मिक्स्ड रॉ मटेरियल को एक नोड्यूलाइजर में भेजा जाता है जहां इसमें वाटर को ऐड किया जाता है ताकि ये मटेरियल मिक्स थोड़ा धरधरा और पोरस बने। अब इस प्रिपेयर्ड रॉ मटेरियल को सिंटर मशीन में डालने से पहले एक रॉ मटेरियल बंकर में रखा जाता है जिसके नीचे एक ड्रम फीडर लगा होता है जिसकी मदद से इस मटेरियल को मशीन के पैलेट कार में इवनली स्प्रेड किया जाता है, और इस बंकर के पीछे एक और बंकर होता है जिसे हर्थ लेयर बंकर कहते हैं। अब मूविंग पैलेट कार में पहले हर्थ लेयर को बिछाया जाता है और उसके ऊपर रॉ मटेरियल की लेयर को बिछाया जाता है। फिर ये पैलेट कार्स मशीन के ऊपर लगे एक इग्निशन हुड से पास कराया जाता है। ये इग्निशन हुड पैलेट कार्स की ऊपरी लेयर को जलाता है, और बड़े बड़े आईडी फैंस जब नीचे से एयर को सक करते हैं तो ये जलती हुई आग ऊपर से पास होते हुए नीचे लेयर्स को जलाती है। ये पूरा मैकेनिज्म ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे एक सिगरेट को सामने से जलाया जाता है, तो ये आग धीरे धीरे एयर सक्शन प्रोसेस के द्वारा अंत तक पहुंचती है। उसी तरह ये लेयर्स पूरे टॉप टू बॉटम तक जलते जलते हमारी मूविंग पैलेट कार मशीन के अंत तक पहुंच जाती है, और फिर ये सिंटर केक को क्रशर के ऊपर गिराया जाता है जिससे ये ब्रेक हो जाता है, और इसके बाद इसे बड़े से कूलर में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस तैयार सिंटर को डबल रोल क्रशर में भेज दिया जाता है जहां इसे रिक्वायर्ड साइज 5 to 40 mm तक लाया जाता है, और अब इसे ब्लास्ट फर्नेस में भेज दिया जाता है।